सो हे गाइस, दिस इज आवर ब्रदर रितिक मेघवानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग कवर करने वाले हैं वीआईटी वर्सेस एसआरएम को। बेसिकली आज हम लोग इन दोनों कॉलेजेस को कंपेयर करने वाले हैं। हर साल यार बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि भैया वीआईटी में जाएं कि एसआरएम में जाएं। दोनों के बीच में यार बहुत सारी चीज़ें कॉमन है एंड बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया प्लेसमेंट्स किसके बेटर हैं, फीस स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है दोनों का, ठीक है, किस में जाना चाहिए, स्कॉलरशिप्स क्या हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो सारी बातें कवर करेंगे एंड इसी के साथ यार वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले यार हम बात करें कैंपस एरिया की। तो ऐसा रहे, मैं आपको 250 एकड़ का कैंपस में देखने को मिल जाता है। यहीं पे वीआईटी की बात करूँ तो टोटल कैंपस एरिया आपको 372 एकड़ का देखने को मिलता है। रैंकिंग की बात करें 34 यहाँ पे एसआरएम को इंजीनियरिंग में एनआरएफ दी गई है। एंड यहीं पर मैं बात करूँ वीआईटी की तो इसको 12 मिली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी एनआरएफ रैंकिंग है। पिछले साल बात करें तो पिछले साल से काफ़ी बेटर रैंकिंग इसको मिली है। स्टूडेंट इंटेक की बात करें तो पहली बात, ये 2-3-4 साल पुराने स्टूडेंट इंटेक हैं जो कि इन लोगों ने ऑफिशियल शो कर रखे थे, लेकिन आज की मैं बात करूँ तो इनसे आंकड़े कई गुना ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं आइडिया दे देता हूँ, 3000 यार एसआरएम में आपके स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं बात करूँ ऑफिशियल 4 साल पुराने डेटा की, वीआईटी में बात करूँ तो सीएसआईटी मिला के 2500 के आसपास, लेकिन एक्चुअल जो डेटा है दोनों कॉलेजेस में 4,500-5,000 के ऊपर स्टूडेंट इंटेक होती है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी को मिला के, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। एंड मैं बात करूँ टोटल बीटेक की तो करीबन 7,000-8,000 से ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट इंटेक है दोनों कॉलेजेस की। ठीक है, तो यही यार एक कौन हमको देखने को मिल जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में कि स्टूडेंट इंटेक यार बहुत ज़्यादा ये लोग ले लेते हैं। अब तो कैटेगरी सिस्टम भी आ गया है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। अगर किसी बच्चे की 20,000-30,000-40,000 रैंक है एंड वो कैटेगरी 5 में सीएससी लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें एसआरएम के लिए, आपको एसआरएम JEE एग्ज़ाम देना पड़ता है। वीआईटी के लिए आपको VIT EEE एग्ज़ाम देना पड़ता है। काउंसलिंग जो है दोनों की अपनी अपनी काउंसलिंग होती है। अब यहाँ पे यार एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यार इनकी जो काउंसलिंग होती है वो जोस एंड सीसेप काउंसलिंग से अलग होती है। यहाँ पे आपको कैटेगरी सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, उनकी अलग अलग फीस होती है। एंड ये लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं बताते हैं कि यार हम लोग कैटेगरी 5 तक भी एडमिशन लेते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। सपोज किसी बच्चे का कंप्यूटर साइंस लेने का मन हो, भले उसकी रैंक 20,000-30,000-40,000 तक हो एंड उसको कैटेगरी 4-5 में भी सीएससी यहाँ पे मिल जाती है। प्लेसमेंट की बात करूँ यार तो हाईएस्ट पैकेज जो था एसआरएम में वो था 42.5 लाख। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज बात करूँ वीआईटी की तो 75 लाख गया है इस साल का, विच इज़ ग्रेट। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 5.5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में एसआरएम का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ वीआईटी के एवरेज पैकेज की तो वो 8.19 लाख गया है इस साल का 2022 का। तो यार वीआईटी की बात करें यार तो हर साल ये थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस देता है एवरेज पैकेज में। लास्ट टाइम देखे तो 7-7.5 लाख के आसपास था, इस साल 8 लाख क्रॉस गया। मीडियम पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 4 लाख एसआरएम का मीडियम पैकेज है एज पर एनआरएफ डेटा। अगर मैं बात करूँ वीआईटी की तो यहीं पे आपको 6.5 लाख का मीडियन पैकेज देखने को मिल जाता है एनआरएफ डेटा के हिसाब से। ठीक है, इन पे आप बिल्कुल यकीन कर सकते हैं क्योंकि एनआरएफ को कोई भी डेटा सबमिट करता है तो यार वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट रहता है। यहीं पे मैं बात करूँ सुपर ड्रीम ऑफर्स की, सुपर ड्रीम ऑफर्स उनको बोला जाता है जो कि 10 लाख से ऊपर होते हैं, तो 1500 से ज़्यादा यार ऑफर्स मिले थे, ठीक है, एसआरएम के स्टूडेंट्स को। एंड यहीं पे मैं बात करूँ 2500 से ज़्यादा ऑफर्स मिले थे वीआईटी के स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे यार कई बार इन लोगों ने ये प्रॉपर मेंशन नहीं कर रखा कि मल्टीपल ऑफर्स मिले थे कि नहीं बच्चों को, ठीक है, इनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मल्टीपल ऑफर्स भी मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ यार उतनी अच्छी तरीके से नहीं बताई है। लेकिन सुपर ड्रीम ऑफर्स के भी यार अपॉर्चुनिटी इन कॉलेजेस में मिल जाती है एंड वीआईटी में थोड़ी सी ज़्यादा मिलती हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह ब्रांच से नहीं है तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार आप मास रिक्रूटर टाइप कंपनीज में प्लेस होते हैं, ठीक है, एंड वीआईटी में भी यार काफ़ी हद तक यही चीज़ है। कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच अगर आपको मिलती है, थोड़ा बहुत डिसेंट परफॉर्म आप कर जाते हैं कॉलेज में, तो डेफिनेटली 6-7 लाख टाइप पैकेजेस भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो कंप्यूटर साइंस की यार जो फीस है वो अलग है, ठीक है, एंड बाकी की जो ब्रांचेस हैं उनकी फीस अलग है। तो मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ, अगर आप जैसे कोई बायोटेक्नोलॉजी या फिर केमिकल टाइप ब्रांच लेते हैं तो उस केस में आपको 13 लाख के आसपास फीस देनी पड़ती है एसआरएम यूनिवर्सिटी में। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच लेते हैं तो ऐसे केस में आपको 17,68,000 के आसपास आपकी 4 साल की फीस पड़ जाती है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपकी ट्यूशन फीस है, इसमें मैंने बजट वाला हॉस्टल लगाया है, बजट वाला जो कि सबसे कम प्राइस में मिलता है, मतलब 4-सीटर, 5-सीटर, 6-सीटर टाइप जो भी सबसे कम वाला होगा वो, प्लस यहाँ पे मैंने मैथ्स इंक्लूड की है, ये टोटल 4 साल की फीस है। कंप्यूटर साइंस की बात करें 17 लाख के आसपास यार आपकी फीस जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वीआईटी की तो यहाँ पे आपको 12 लाख के आसपास फीस देनी पड़ती है बाकी की जो ब्रांचेस हैं उनके लिए। अगर आप जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते हैं तो यहाँ पे 15.3 लाख के आसपास आपकी फीस चली जाती है 4 साल की। अगेन जो ट्यूशन फीस है वो मैंने इंक्लूड किया है, बजट हॉस्टल इंक्लूड किया है, मैथ्स इंक्लूड किया है। अगर आप यहीं पे कैटेगरी 5 तक चले जाते हैं वीआईटी में तो यही फीस आपकी 25 लाख तक चली जाती है बजट हॉस्टल के साथ। अगर आप जैसे 2-सीटर एसी टाइप हॉस्टल यहाँ पे लेते हैं तो यही आपकी 28-30 के आसपास पहुँच जाती है। तो यार ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैटेगरी 1 में यार ये दोनों ही कॉलेज अपनी अपनी जगह पर ठीक है, ठीक है, अगर आप जैसे 2-3 तक भी जाते हैं वीआईटी में, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जा सकते हैं। बाकी कैटेगरी 5 यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। कॉलेज लाइफ की बात करें यार
तो एज सच यार कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों कॉलेज की, ठीक है। दोनों ही कॉलेज यार आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है, VIT हो गया, SRM हो गया दोनों। यहाँ पे SRM की बात करें यार तो थोड़ी सी फ्रीडम आपको दी जाती है, लेकिन यहीं पे मैं VIT की बात करूँगा तो रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल यार अच्छे से मतलब साथ में नहीं रह सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, तो ये कुछ तरीके की चीज़ें हैं जो कि VIT में होती हैं। मणिपाल बहुत मस्त है, मणिपाल बढ़िया है, इन सब चीज़ों में मणिपाल में मतलब दिक्कत आती ही नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ यार तो दोनों में काफ़ी बढ़िया बढ़िया फेस्ट होते हैं SRM एंड VIT में, तो दोनों की कॉलेज लाइफ ऑलमोस्ट सेम हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे मैं एकेडमिक्स की बात करूँ यार तो VIT की एकेडमिक्स थोड़ी सी बेटर है SRM से। ऐसा क्यों यार? क्योंकि यार VIT जाना ही एकेडमिक्स के लिए जाता है, एक एकेडमिक्स के लिए एंड अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, ठीक है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के, रिस्ट्रिक्शंस लगा के एक फ़ायदा रहता है कि वो चाहता है कि यार बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो इसलिए यार VIT की एकेडमिक्स थोड़ी सी बेटर है। अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप्स की तो यार यहाँ पे ना VIT एंड SRM दोनों में स्कॉलरशिप दी जाती है। SRM में जो है वो आपको एक साल की स्कॉलरशिप मिलती है कंटिन्यू करने के लिए। कुछ आपके रूल्स रहते हैं, जैसे आपके 8 CGPA मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको बैकलॉग वगैरह नहीं लगना चाहिए, ठीक है। दोनों ही कॉलेजेस में मेरे ख्याल से होता है, लेकिन VIT की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 साल के लिए दी जा रही है स्कॉलरशिप, विच इज़ ग्रेट। अगर आप स्टेट बोर्ड टॉपर हो या फिर सेंट्रल बोर्ड टॉपर हो तो आपको 100% ट्यूशन फी वगैरह मिल जाएगा, बाकी हॉस्टल एंड अलग खर्चे जो है वो आपको देने पड़ेंगे। 1 से 50 के बीच में रैंक है 75, 81 से 100 के बीच में रैंक है 50% स्कॉलरशिप, 101 से 1000 के बीच में रैंक है 25% VIT में। SRM की बात करें तो SRM में 101 से 500 के बीच में 100% स्कॉलरशिप है, बाकी आप देख सकते हैं ये आपको ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप SRMG में रैंक 100 से नीचे लेके आते हैं, अगर आप बोर्ड टॉपर हैं या फिर अगर आप JEE में 10,000 से अंदर रैंक ले आते हैं तो आपको ट्यूशन फीस एंड आपकी हॉस्टल फी पे भी यार फुल यहाँ पे ऑफ मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट। लेकिन यार अगर किसी के JEE मेंस में 10,000 के अंदर रैंक आई है तो मेरे ख्याल से वो SRM में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं यार स्टूडेंट फैकल्टी रेशो की, तो SRM में यार आपको स्टूडेंट फैकल्टी रेशो थोड़ा सा बेटर मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे 1:10 का यहाँ पे रेशो है। यहीं पे VIT की बात करूँ तो 1:12 का यहाँ पे रेशो आपको मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ PhD होल्डिंग फैकल्टीज़ की तो SRM में यार आपको 35.6% यहाँ पे टीचर्स मिल जाते हैं, फैकल्टीज़ मिल जाते हैं। VIT में 63.6% यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं। तो यार ये आप देख सकते हो यार अगर आपको ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि यार ये हमारे 4 साल की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। वैसे यार एक बात मैं आपको बता दूं यार, कॉलेज में खुद से पढ़ना रहता है, टीचर आता है आके बस थोड़ा बहुत बोर्ड पे हाँ ठीक है, बाकी खुद से ही पढ़ना पड़ता है। तो यार दिमाग से निकाल देना कि यार हमें कोई आके बैठ के पढ़ाएगा, ठीक है, कोई नहीं पढ़ता। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो यार देखो सिंपल है, अगर आपको VIT में कैटेगरी 1 और 2 तक मिलती है, अगर 3 तक भी आप अच्छे खासे तरीके से अफोर्ड कर पाते हो तो आप VIT की तरफ जाओ। अगर आप SRM में आपको कैटेगरी 1 जो इसकी कैटेगरी A या B करके होता है, अगर आपको A में मिल रही है तो आप इसकी साइड जा सकते हो, ठीक है। मैं बोलूँगा यार VIT थोड़ा सा बेटर है, एवरेज पैकेज आपका बढ़िया है। तो ये यार आज का था कंपैरिजन वीडियो, मुझे नहीं लगता था यार कि इसकी ज़रूरत थी, लेकिन बहुत सारे लोग यार हर साल पूछते हैं कि भैया VIT एंड SRM में कौन सा बेटर है, ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर वो लोग मांगते हैं। तो मैंने सोचा जिन जिन चीज़ों में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करके बताऊँ। इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, पीस आउट।